हरियाणवी लाइव देखने वाले सारे दर्शकों ने अंकित मलिक सुल्तान प्रेग राम राम। हाल फिलहाल हांसीगंज और रामलीला ग्राउंड में मौजूद हाँ। तो भाई तमने कहावत सुनी होगी, एक अनार सौ बीमार, वो एक काम हो रहा है। कांग्रेस की टिकट पर हांसीगंज जो है गड़ा कसमाच रहा है। मैं नाम तो नहीं लूंगा, बाकी समझदार की बता दू, चाहे वो मंत्री हो, चाहे कमेटिया के चेयरमैन हो, या पार्षद हो, या और भी किसी न किसी वर्ग के प्रधान हो, मतलब सबकी जो है साख का सवाल बन रही है। सीट आज दीपेंद्र हुड्डा जी माननीय सांसद जो राज्यसभा है पहुंचेंगे, तो मतलब की 20 तारीख की रैली तो है वो तो अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात करा शक्ति प्रदर्शन का जो काम करने लाग रहे हैं। स्टेज दिखाऊंगा मैं अंदर जाके, नू ठुकरी है सारे नेता की, तो बात तो आई है मिले एक नहीं, देखो छुरी किसके लागेगी, सेम किसने मिलेगी। बाकी आज के दिन कोई घाट को नहीं, सारे अपनी तरफ पे पूरा पूरा जोर ला रहे हैं। जन सैलाब भी दिखा सको भाई आप, बहुत बढ़िया मात्रा में जो है आ रही है। हटिए भाई वो आ जा। तो भाई आ जा, मैं जिधर कहने लग रहा था साथ साथ आ जा भाई अंदर हो गए, जिधर मैं कहने लग रहा था स्टेज की बात करूँ था, स्टेज टूटी पड़ी है जो कि आप देख सको हो। एक बार कैमरामैन दिखूंगा, स्टेज दिखा दे भाई साथ पास जाके, हर प्रकार के नेता भाई बहुत ज्यादा नेता जो है उधर मौजूद है। एक बार आगे आगे सारे कवर कर दे भाई, उस साइड तक आगे कर ले सारे, एक एक इंडिविजुअल कवर कर ले, इंडिविजुअल कवर कर ले जाके सब ने आगे, तो लास्ट तक चला जा क्योंकि भाई सब तब सब कोई स्टेज पर आप देख सको। सुमन शर्मा जी, प्रेम मलिक, तेलुराम कांगड़ा, लाशनिया और भी बात बहुत, पूरे मंत्री भी है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है पूरे मौजूद है जो अध्यक्षता करने लाग रहे हैं भाई। पार्षद है, उसके अलावा तो मैं ऊपर दिखा दे भीड़ से उसको आप कुर्सियां कम रहेगी, भीड़ से उसको जो आप कुर्सियां कम रहेगी, आगे भी दिखा दे भाई भीड़ बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हर कोई अपने सब कुछ प्रदर्शन करने लाग रहा है, तो हर कोई अपने मतलब बड़े बड़े काफिले लाए हैं जो अलग वीडियो में जिसके अपने लिंक भी मिल जाएगा, जितनी अपने पर कवर हुई है उन सब का काफिला दिखाने का पूरी पूरी कोशिश कराते। 20 तारीख में जो विपक्ष आपके समक्ष हिसार में लाग रही है उसकी बात करा तो जो है राज्यसभा सांसद जितेंद्र हुड्डा जी है आन लाग रहे वो तो बस दिखा उसका है, लेकिन पूरा आर्थिक इंडिविजुअल में बात तो सारे अपना अपना सत्ता प्रदर्शन जो कि सीट खातर दावेदारी ठोकर खातर कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता, चाहे जो मैं स्टार्टिंग में कहा चाहे वो कोई पूरा मंत्री हो या फिर वो पूरा चेयरमैन हो या फिर वो कुछ भी मान लो उसके अलावा जो भाई अध्यक्ष को मंच पर भी बड़े बड़े नेता आसीमा जो दावेदारी करने लाग रहे हैं सारे जो हो रहे मौजूद है। आ जा सुमन शर्मा जी है, अंकल जी बात करेंगे, अंकल जी राम राम, अंकल जी मतलब की आज जो है इतना बड़ा जन सैलाब पहुंचा है ये कुछ कह रहा है विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही संबोधित करेंगे। इंडिविजुअल बात करूं मैं आपकी, आपका जो है इतना बड़ा काफिला लेके आए, कहीं ना कहीं जो है शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश करी गई। हम कांग्रेस पार्टी के चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकर्ता है, व्यक्ति उनका आदेश होता है तो हम हमेशा ये काम करते हैं अपने काफिले के साथ चलते हैं। तो फिर आज के लगे कि भाई इसके बाद जो है कैसे आसी की सीट पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का कब्जा हो लिया, ये समझो आप बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, 100% कांग्रेस का विधायक है। तो बात आप जो अगर आसी की कहने लग रहे हो, अगर पूरा हरियाणा की बात करी जाए तो पूरे हरियाणा के अंदर एक लहर चली हुई है कांग्रेस के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो 10 साल का शासन था उस शासन के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो विकास के कार्य जो आम जन के कार्य किए उससे आज जनता कुछ याद कर रही हुड्डा साहब के राज को। एक जो है मीठा सवाल है आपका सुगर हाउस का है, जो कि आज जो है 20 तारीख विपक्ष आपके समक्ष है वह तो है, लेकिन इंडिविजुअल बात करें जहाँ आसी में जितने भी नेता कांग्रेस के सारे अपने अपने दावेदारी टोकन खाकर कोशिश करने लग रहे हैं हुड्डा साहब। देखो जो पार्टी के अंदर काम करेगा वो अपनी दावेदारी करेगा, सबका स्वागत है। तो आज जो है इतना बड़ा जनसैलाब आया जो देखने लग रहे हैं उनके क्या कहना चाहोगे लास्ट में 20 तारीख का? उनको यही कहूंगा भाई कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े नेक दिल के नेता है, भूपेंद्र हुड्डा जी उनका सहयोग करो और बीजेपी से छुटकारा पाना तो उनका सहयोग करना पड़ेगा। और 20 तारीख को जो हिसार के जिले के अंदर विपक्ष आपके समक्ष का जो हुड्डा साहब कांग्रेस पार्टी प्रोग्राम कर रही है उसे पूरी कांग्रेस पार्टी के सभी नेता लोग आएंगे, इतनी बड़ी रैली होगी क्योंकि बीजेपी के नीचे के जो पावे सारे निकल के बाहर निकल जाएंगे। जो बीजेपी और जेजेपी ने हाल फिलहाल में हिसार में रैलियां करी है उन तक कई गुना बड़ी होने की, मैं आपको बताता हूँ आज का जो जूम बता रहे हैं कार्यकर्ता मीटिंग है, जब रैली होगी तो आप देखोगे क्या होगा। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
तो अपने साथ पूर्व चेयरमैन सुमन शर्मा जी जो थे चेयरमैन प्रतिनिधि थे पूर्व में आसी के, और ये भी कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी ठोकने लग रही है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि पूरे चेयरमैन भी इसमें आवा है, पूर्व मंत्री भी आवा है, तो ये भी आज बहुत बड़ा काबिला अपने साथ लेके आए थे और इन अपना जो शक्ति प्रदर्शन दिखाने का पूरा पूरा प्रयास किया। कुछ देर में जो है दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंचेंगे, उनकी भी बाइट आपने दिखावांगे और पूरा आपको काबिला कवर करांगे। आज की पूरी मीटिंग जो है आप आगे दिखावांगे, इतने वीडियो ने जम के जो है शेयर कर दो, और खास करके जो सुमन शर्मा जी ने दावे करे कि भाई कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, इसके बारे में आज भी कह रहा है कांग्रेस जो दमदार है, बीजेपी दमदार है, कोई अन्य पार्टी दमदार है, कमेंट बॉक्स में बता दो, इतने वीडियो ने शेयर कर दो। कैमरामैन वंश के साथ अंकित हरियाणवी, लाइव आसी।